हाय यूट्यूब, मैं रैबिट ट्रेनर राहुल आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर में हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है खरगोश के पैर में घाव। ये टॉपिक हमसे कई लोगों ने इस बारे में पूछा है कि सर खरगोश के पैर में घाव हो गया, और वो लोग बता नहीं पाते हैं कि पंजे में हो गया कि ऊपर कहीं पैर की हड्डी में हो गया। तो इस टॉपिक पर आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप हमारा फॉर्म भी देख लीजिए, पीछे की जैसे कि बना हुआ है। अभी हमारे रैबिट फार्म में करीब ये मान के चलिए कि इस समय मौजूदा स्थिति में 2400-2500 रैबिट है, क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, कंपनियां माल उठा नहीं रही, इसलिए बहुत सारा माल लगा हुआ है, और जब लॉकडाउन अभी खत्म होगा तो माल उठेगा। आइए चर्चा करते हैं आज के टॉपिक पर। तो क्यों खरगोश के पैर में घाव हो जाते हैं और कैसे घाव हो जाते हैं, सबसे पहले हम एक रैबिट को उठाकर आपको इसके बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये एक न्यूजीलैंड व्हाइट बुनीज है, बहुत अच्छी बुनिया है, हेल्दी बुनी है। न्यूजीलैंड व्हाइट खरगोश की पहचान, पूरा सफेद, लाल आंखें, देखिए इसकी लाल आंखें हैं और पूरा खरगोश सफेद है। ये एक न्यूजीलैंड व्हाइट खरगोश की पहचान है, मैंने ये भी बता दिया। देखिए, अब हम लोग आते हैं कि खरगोश के पैर में घाव कहाँ पर होते हैं। जैसे एक खरगोश है, देखिए इसका ये जो पंजा है, ये वाला जो पंजा है, ये यहाँ पर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं और वहां पर कट जाते हैं, गोल गोल है, जैसे यहाँ कट जाएगा। ये जो इसके बालों वाली स्किन है, ये पूरी तरीके से कट जाएगी, और बहुत सारे जो खरगोश का जैसे पंजा है, यहाँ 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 छोटे छोटे दाने पड़ जाएंगे, या फिर ऐसे इसमें कट जाएगा, खून निकलेगा। तो इसी अवस्था में क्या होता है कि जो हमारा खरगोश होता है बिल्कुल कमजोर हो जाता है, उसको मतलब एक तरीके का ये समझिए कि पेनफुल, बहुत पेनफुल फीलिंग होती है उसको, मतलब बहुत ज्यादा पेन भी होता है। खरगोश धीरे धीरे फीट खाना कम कर देता है, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, छुओगे तो बार बार ऐसे ही चिपक जाएगा, मतलब उसके अंदर ना ही कोई एक्टिव, बिल्कुल एक्टिव नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा बिल्कुल डीएक्टिव हो जाए। इसको अपने केज में रख देते हैं। तो हमने ये खरगोश केवल उठा लिया था, क्यों ये समस्या क्यों होती है, ये समस्या देखिए क्या होती है, एक टाइप का बेड सोल हो जाता है। जैसे इंसान जब बहुत दिन तक, देखिए जब अंतिम अवस्था आ जाती है या किसी गंभीर बीमारी के कारण इंसान चारपाई पर लेटा रहता है, तो उसके देखिएगा पीठ में छोटे छोटे घाव टाइप के बन जाते हैं, उनको लाख प्रयास करने पर भी वो ठीक नहीं होता। एक टाइप का ऐसा ही सिचुएशन हमारे खरगोश में आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि खरगोश अपने केज के अंदर, ये समस्या लगभग उन मतलब रैबिट्स के अंदर होती है जो केज सिस्टम में रहते हैं, और कॉलोनी सिस्टम में जो खरगोश रहते हैं उनमें समस्या ना के बराबर होती है। केज और कॉलोनी सिस्टम में क्या फर्क है, ऊपर आई आइकन में एक वीडियो लगा हो, उसको आप लोग जरूर देखिए। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि खरगोश के ये समस्या आ गई है तो उसका उपचार क्या करें। देखिए, यदि खरगोश, पहले समझेंगे अभी ये समस्या आई क्यों, क्योंकि जब हमने खरगोश को एक केज में रख रखा है, छोटा सा एक केज है, उसी में वो दौड़ता रहता है, उसके केज जो है नीचे से आपने अच्छी तरीके से पेंट नहीं किया है, तो क्या होता है जब खरगोश चलता है तो धीरे धीरे उसके पैर की खाल कटने लगती है, और फिर वहां पर धीरे धीरे मुरचा है और किसी तरीके की केज में गंदगी है, उससे इन्फेक्शन होता है, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन अगर छोटा सा भी घाव हो गया, धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो इस समस्या के लिए आपको क्या निदान करना है, अब उस पर चर्चा होगी। ऐसी समस्या जब आपके फार्म में आ जाए तो हमारी आपसे यही सलाह है, या आपके रैबिट्स में आ जाए, सबसे पहले हमारी यही सलाह है कि आप अपने खरगोश को ऊपर निकालिए, उसको पूरी तरीके से देखिए कि उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं, कहीं बुखार जुकाम या खांसी और तरीके की समस्या, क्या कि कोई समस्या नहीं है, तब आपको क्या करना है, अपने खरगोश के पैर के पंजे को देखिए, और फिर उसमें देखिए एक काम आप और कर सकते हैं। सबसे पहले आप खरगोश को, यदि आपके पास हाईटेक डिवर्मर है तो आप उसका डिवॉर्मिंग कर दीजिए। कैसे करते हैं डिवॉर्मिंग, मैंने कई बार बताया है। ये देखिए एक डिस्पोजल सिलिंज है, और ये देखिए हाईटेक है, विरबैक कंपनी का हाईटेक कोरल सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को आप इसमें निकालेंगे, ऐसे इस ढक्कन में निकाल के, करीब ये मान के चलिए एक बड़ा खरगोश है तो 1 ml दे देंगे 5 दिन तक, और यदि छोटा खरगोश है तो मान के चलिए, यदि खरगोश की उम्र 4 महीने के ऊपर है तो 5 दिन तक 1 ml दीजिए, 4 महीने के अंदर है तो 0.5 ml 5 दिन तक दीजिए, और छोटे बच्चा है, जैसे कि ये मान के चलिए हम दिखा रहे हैं, जैसे ये इतना छोटा बच्चा है तो ये मान के चलिए 0.3 ml 3 से 4 दिन आप दे दीजिए। अब क्या होगा,
जब आपने हाईटेक दे दिया तो एक बार उसके जो बॉडी में पूरा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो अंदर से समझिए कि खत्म हो गया। तो उससे ऊपर क्या हुआ, तो अब जो आपके एक्सटर्नल मतलब यहाँ पर जो घाव हो गए सिर्फ उनको आपको कवर करना है, अंदर से भी आपकी दवा काम करेगी खरगोश की बॉडी में और बाहर से भी। और अब आपको क्या करना है, देखिए आपने डिवॉर्मिंग करा दी, अब दूसरा उपचार आप क्या करेंगे कि देखो मैंने कई बार बताया है, ये देखिए ट्रॉपिक क्योर स्प्रे जहां पर खरगोश के कटे या खुले घाव हैं वहां पर आप लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, देखिए स्प्रे का ये नोजल है, खरगोश को आप ऐसे पकड़ेंगे इसका पैर और यहाँ इसके पैर पे ऐसे करके स्प्रे मार देंगे। अभी हमारे खरगोश के प्रॉब्लम नहीं है तो मैं स्प्रे नहीं मारूंगा, क्योंकि खरगोश को हो सकता है कि क्या मतलब जब दिक्कत नहीं तो उसको दवा लगाने की जरूरत नहीं। हमने आपको बता दिया, एक बार फिर बता देते हैं, देखिए खरगोश को ऐसे आप पैर पकड़ेंगे थोड़ा परेशान करेगा, यदि खरगोश यदि आपको पकड़ने से परेशान कर रहा है वो एक हेल्दी खरगोश की पहचान है। देखिए इस जैसे दोनों पैर हैं इस पे करके 2-3 बार ऐसे आप स्प्रे खरगोश के ऐसे करके स्प्रे मार दीजिए। इसे ये स्प्रे आप तब तक मारते रहिए जब तक खरगोश को मतलब खरगोश के प्रॉब्लम खत्म ना हो जाए, या फिर आपके पास स्प्रे नहीं है तो ये देखिए सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम है, ये सोफ्रामाइसिन स्किन क्रीम आप लगा सकते हैं अपने खरगोश के 6 से 7 दिन या जब तक सही ना हो जाए। या फिर प्रोविडेंट ऑइंटमेंट आता है सरकारी अस्पतालों में बहुत सारा मिलता है, बेड सोल में लगाने के लिए लगभग वही दवा का इस्तेमाल किया जाता है इंसानों में, उसका भी रिजल्ट अच्छा है। या फिर जब इंसान के टांके कहीं लगे होते काटने के बाद जो एक पीले कलर का ऑइंटमेंट लगाया जाता है उसी को प्रोविडेंट ऑइंटमेंट कहते हैं, आप प्रोविडेंट ऑइंटमेंट लाकर वो भी अपने खरगोश के लगा सकते हैं, उससे सोफ्रामाइसिन से क्विक रिजल्ट मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा रिजल्ट हमारे टोपी क्योर स्प्रे प्लस से मिलता है। अब आते हैं खरगोश की रखरखाव के बारे में। देखिए यदि बीमारी आ गई, क्यों आई, क्योंकि हमने खरगोश को एक ही केज में रखा हुआ है और खरगोश की डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं कराई है, खरगोश धीरे धीरे हमारा उसी केज में पड़े पड़े गंदगी में उसके पैर कट गए। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने खरगोश के जब आपने ट्रीटमेंट कर दिया तो आप अपने खरगोश का जो केज है उसको क्लीन करिए पूरी तरीके से। ये अभी देखिए कोई बच्चे मतलब बॉडी बहुत अच्छा हम वो नहीं बता रहे हैं कि सैनिटाइजर टाइप का कि आप जिससे केज साफ करिए, नॉर्मल डिटॉल लीजिए, आधी बाल्टी पानी में आप थोड़ा डिटॉल डाल लीजिए 2 ढक्कन के करीब और पूरा जो आपके खरगोश का केज है उसको डिटॉल से बकायदा साफ करिए। साफ करने के बाद उसको पेंट करिए। आपने यदि आपका केज पेंट है पहले से भी पेंट चढ़ा हुआ है, देखिए हमारा जैसे केज है उसमें हल्का भूरा पेंट चढ़ा हुआ है, वो मूर्छे टाइप का लग रहा है लेकिन उसमें भूरी पेंट है, और आप क्या करेंगे फिर अपने केज को पूरी तरीके से जो आपका केज है उसको कलर या पेंट मार देंगे, या पेंट है तो उसको अच्छी तरीके से एक बार पूरा साफ कर देंगे, उसके अंदर जो भी जर्म्स बैक्टीरियाज हैं वो सब डिटॉल डाल के पानी से धो देंगे। अब उसके बाद आप अपने खरगोश को ऐसे नहीं रखेंगे, एक बोरा लेकर केज के अंदर बिछा दीजिए एक कोने में, क्योंकि खरगोश के प्रॉब्लम होगी वो जाके उसी पे बैठेगा, नीचे पैर रखने में उसे दिक्कत होगी, मतलब आधी केज में एक बोरा डाल दीजिए आप, या कि खरगोश का मन है उस पर बैठे उस पर, और इस बोरे को समय रहते हर दूसरे दिन या रोज बदलते रहिए, क्योंकि खरगोश जब उस पर टॉयलेट करेगा लैट्रिन बाथरूम सब कुछ उसी पर करेगा तो उससे क्या होगा कि आपका जो खरगोश है वो बोरे को गीला कर देगा, उससे संक्रमण बढ़ सकता है। तो ये ध्यान रखिए बोरे को प्रतिदिन बदलते रहिए, 4 से 5 दिन तक ऐसा कर दीजिए, घाव के ऊपर हल्की की एक परत आ जाएगी, तब आप लोगों को उसके घाव पे परत आ गई तो धीरे से बोरा हटा दीजिएगा और ये जो कोई क्रीम है उसके सही होने तक लगाते रहिए। देखिए ये जो स्थिति होती है बहुत पेनफुल होती है, बहुत छोटी सी लगती है लेकिन होती बहुत दर्दनाक है। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार देखा है कि खरगोश बिल्कुल खाना पीना छोड़ देता है, सुस्त हो जाता है, लगता है उसके बुखार है जुकाम है। यदि आपका खरगोश फीड नहीं खा रहा है, आपको देखने में भी हेल्दी लग रहा है, तुरंत उसको उठा के उसके पंजे चेक करिए कहीं पंजे में घाव तो नहीं हो गया है। ये समस्या मतलब छोटी है, इसके कारण खरगोश की जान नहीं जाती, यदि आपने बिल्कुल उसकी देखरेख नहीं की तो खरगोश धीरे धीरे इस समस्या के कारण खाना खाना छोड़ देगा, उसके फिर हल्का बुखार आ जाएगा बहुत पेनफुल फीलिंग के कारण, और फिर धीरे धीरे यदि आपने बिल्कुल देख रेख नहीं की तब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि इस टॉपिक पर खरगोश के पैर में घाव में काफी चर्चा हो चुकी है। यदि आपका कोई सवाल है या कोई भी कमेंट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको देंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए उसके लिए थैंक यू, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।